हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने जीमेल आईडी पर या फिर अपने ईमेल आईडी पर प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अपने व्हाट्सएप या अपने इंस्टाग्राम में प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने जीमेल में भी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं। तो जीमेल पर प्रोफाइल फोटो कैसे लगाते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है, बस आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपने जीमेल आईडी पर प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ सबसे ऊपर में आपके जीमेल के लोगो दिखाई देगी, तो आपको इस लोगो पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, अब आपके सामने वो सभी जीमेल आईडी आ जाएगी जो भी आपके फ़ोन में लॉगिन होगी। तो जिस भी जीमेल आईडी का आप प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जीमेल आईडी को सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपने फ़ोन में। तो मैं इस जीमेल आईडी की प्रोफाइल फोटो लगाना चाहती हूँ, तो मैंने इसे पहले से लॉगिन कर रखा है। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने जीमेल के नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ऊपर में आपकी प्रोफाइल के लोगो दिखाई देगी, तो आपको यहाँ इस लोगो पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रोफाइल पिक्चर का, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाई देंगे, तो आप चाहे तो यहाँ से कोई भी पिक्चर को अपने प्रोफाइल फ़ोटो में लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप अपने गैलरी में से कोई भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ डिवाइस फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ब्राउज़ टू टेक ए फ़ोटो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से मीडिया पिकर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आप जिस भी फ़ोटो को अपने प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप यहाँ एल्बम में जाकर आपने जिस भी फोल्डर में अपना फ़ोटो सेव किया होगा उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैं इस फ़ोटो को अपने प्रोफाइल में लगाना चाहती हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगी। फिर इसके बाद ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ कुछ टाइम वेट कर लेना है। अपलोड होने के बाद अब आप अपने हिसाब से इस फ़ोटो को यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद नीचे में आपको यहाँ रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप चाहे तो इस फ़ोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और ये आपके जीमेल आईडी पर लग जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जीमेल आईडी पर प्रोफाइल फ़ोटो लग चुकी है। तो अगर आप अपनी फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ चेंज पर क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो को हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ रिमूव पर क्लिक करके इस फ़ोटो को अपने जीमेल आईडी से हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपने जीमेल आईडी या फिर अपने ईमेल आईडी पर प्रोफाइल फ़ोटो लगाने का सबसे आसान तरीका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।